तो गाइज़ हेयर इज़ माई जुगाड़ू सेटअप। जैसा कि आप देख सकते हैं, बस एक चेयर रखी हुई है फोल्डिंग, एंड हेयर इज़ माई जुगाड़ू लाइफ। हाय गाइस, वेलकम टू केशूस लिटिल वर्ल्ड। तो आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने जा रही हूँ हमारे चैनल की मोस्ट रिक्वेस्टेड एंड डिमांडिंग वीडियो, कि मैं लड्डू गोपाल की मूविंग वीडियोस कैसे बनाती हूँ जिसमें हमारे केशू अपने काम खुद कर रहे होते हैं। और मैं आप लोगों को ये सजेस्ट करना चाहती हूँ कि आप इस वीडियो को विदाउट स्किप करें पूरा देखें, क्योंकि इस वीडियो में मैं सारी चीज़ें डिटेल में समझाने वाली हूँ। एंड आई होप वीडियो के एंड तक आप भी ऐसी वीडियो बेशक बना पाएंगे। तो बिना किसी देरी के चलिए शुरू करते हैं। तो गाइस, मैं मूविंग वीडियोस कैसे बनाती हूँ, कौन से ऐप से बनाती हूँ, ये सब समझने से पहले आपको वीडियो का कॉन्सेप्ट समझना होगा। सबसे इंपॉर्टेंट है वीडियो की क्वालिटी। क्वालिटी में क्या क्या आता है? फर्स्ट होता है सेटअप, सेकेंड होती है लाइटिंग, और थर्ड होती है स्टोरी लाइन। बात करते हैं सेटअप और लाइटिंग की। तो आपको किसी भी महंगी चीज़ को बाय करने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि रुकिए मैं आपको अपना सेटअप दिखाती हूँ। जुगाड़ू सेटअप, जैसा कि आप देख सकते हैं, बस एक चेयर रखी हुई है फोल्डिंग, एंड हेयर इज़ माय जुगाड़ू लाइटिंग, जो कि आपके घर में, सभी के घर में इजीली अवेलेबल होती है। अभी आप वीडियो की क्वालिटी देखिए कि कितना अंधेरा हो रहा है, और अब मैं इसको ऑन करती हूँ, और अब वीडियो की क्वालिटी देखिए। महंगी लाइटिंग की कोई ज़रूरत नहीं है, जैसे कि मैंने आपको दिखाया कि मैं कैसे यूज़ करती हूँ। रैंडमली कुछ भी नहीं बना देना है कि कभी यहाँ बैठ के कभी वहाँ बैठ के। आपको जो है स्टोरी लाइन पहले डिसाइड करनी ही होगी, नहीं तो आपकी वीडियो बिल्कुल भी अच्छी नहीं बनेगी। और मैं आपको एक एक्स्ट्रा टिप देना चाहूँगी कि आप कोई भी मोशन वीडियो बनाने के लिए अपने लड्डू गोपाल को जो है वो वेस्टर्न कपड़े पहनाएं, क्योंकि वेस्टर्न कपड़ों में उनकी जो मोमेंट है वो क्लियरली दिख पाएगी। अगर आप फ्रॉक टाइप की कुछ ड्रेसेस पहनाएंगी उनको, तो उनकी मोमेंट पता नहीं चलेगी कि वो क्या कर रहे हैं। मेरी स्टोरी है कि लड्डू उठेंगे, अपनी चादर फोल्ड करेंगे, बेड पे से नीचे उतरेंगे, फिर पर्दा हटा के और जो है लिविंग रूम में आएंगे। तो फाइनली अब मैं आपको ऐप के थ्रू दिखाती हूँ कि मैं वीडियोज़ कैसे बनाती हूँ। आपको प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पे सर्च करना है स्टॉप मोशन स्टूडियो, और इसे डाउनलोड कर लेना है। मेरा ऑलरेडी डाउनलोडेड है, इसलिए मैं इसे ओपन कर लेती हूँ। ऐप ओपन कर लेंगे। ऐप ओपन करने के बाद यहाँ पर हमें प्लस का साइन दिख रहा है, न्यू मूवी, इस पे हमें क्लिक करना है। फिर हमें इस एरो पे क्लिक करना है, और उसके बाद हमें यहाँ पर सेटिंग का साइन दिख रहा होगा, उस पे क्लिक करके 7 पे स्पीड कर देनी है। आप अपने अकॉर्डिंग कुछ भी स्पीड रख सकते हैं, और फिर हमें इसे डन कर देना है। क्योंकि हमें YouTube Shorts के लिए वीडियो बनानी है, इसलिए हमें कैमरा को हॉरिजॉन्टली प्लेस करना होगा, मतलब सीधा करके रखना होगा। और एक तरफ मैं आपको दिखा रही हूँ कि लड्डू की मोमेंट, और दूसरी तरफ मैं ये दिखा रही हूँ कि मैंने कितनी बार पिक्चर्स क्लिक करी। तो यहाँ पर जो आपको रेड बटन दिख रहा है ना, ये जितनी बार वाइट क्लिक होगा उतनी बार पिक्चर्स क्लिक हुई है। और यहाँ पर आपको दिख रहा होगा, यहाँ पर नंबरिंग भी दिखा रही है कि कितनी पिक्चर्स क्लिक हुई है, जैसे कि अभी 3 पिक्चर्स क्लिक हुई है। धीरे धीरे आपको मोमेंट में आना है, और धीरे धीरे बहुत प्यार से आपको मोमेंट करानी है। जैसे कि आप लोग वीडियो में नोटिस कर रहे होंगे कि मैं एक एक स्टेप ले रही हूँ, फिर एक पिक्चर क्लिक कर रही हूँ, फिर एक स्टेप ले रही हूँ, फिर एक पिक्चर क्लिक कर रही हूँ। अब मैं देखो चद्दर फोल्ड कर रही हूँ, लड्डू को लेटा रही हूँ, ये इफेक्ट देने के लिए कि वो चद्दर खुद फोल्ड कर रहे हैं। फिर मैंने पिक्चर क्लिक करी, अब लड्डू को बिठाया, उनके हाथ में टॉय दिया, फिर एक पिक्चर क्लिक करी, अब थोड़ा सा प्लेस करेंगे, फिर पिक्चर क्लिक करेंगे। अब आपको जो है दोनों तरफ ध्यान देना होगा कि किस तरफ, एक लाइन में लड्डू को आगे बढ़ा रही हूँ, फिर पिक्चर क्लिक कर रही हूँ। थोड़ा फास्ट मोशन में आप लोगों को दिखा देती हूँ। कैमरे को आपको बिल्कुल भी मूव नहीं करना है, बस लड्डू को एक स्ट्रेट लाइन में आपको धीरे धीरे मूवमेंट देनी है और पिक्चर्स क्लिक करनी है। अब बाकी की वीडियो में हम बिना बातें करे ध्यान से देखेंगे, और सिर्फ वीडियो पे फोकस करेंगे कि हमने कैसे मोमेंट कराई है और कैसे हमने पिक्स क्लिक करी है। मॉपिंग इफेक्ट देने के लिए हमें मॉप को जिगजैग में मोमेंट करानी है, और बहुत छोटे छोटे स्टेप्स लेने हैं। साथ ही साथ हमें डस्ट क्लीन करते रहना है।
अब विदाउट कैमरा को टच करे छोटे छोटे मोमेंट्स लेके हमें फ्रेम के स्टार्टिंग टू एंड तक दिखाना है कि इस रूम से निकल के दूसरे रूम में गए। अब लास्टली इस प्ले बटन पे क्लिक करके आपको देखना है कि मूवी सारी सही बनी। हमारी वीडियो बिल्कुल परफेक्ट बनी है। अब हम इसे गैलरी में सेव कर लेते हैं। गैलरी में सेव करने के लिए हमें सिलेक्ट करके एक्सपोर्ट मूवी पे क्लिक करना है और सेव एज पे क्लिक करना है। अब ये हमारी गैलरी में आ जाएगी। गैलरी में सेव करने के बाद आप इस पे गाने लगा के अपने शॉर्ट्स पे अपलोड कर सकते हैं। जैसा कि आपने वीडियो में देख ही लिया होगा कि ये कितना इजी है बनाना, बट बहुत डिफिकल्ट भी है अगर आपको कॉन्सेप्ट ही समझना है। तो एक बार ही मैं बेसिक सा आपको दोबारा से समझा देती हूँ ताकि आपको बिल्कुल क्लियर हो जाए। आपने जो है कैमरा को ज़्यादा मूवमेंट नहीं करनी, एक जगह प्लेस करके रखना है। लड्डू गोपाल को कैमरा के फ्रेम में स्टार्टिंग से एंड तक दिखाना है, बिल्कुल जहाँ से वो स्टार्ट करेंगे तब से और एंड में, जब तक जैसा कि आपने वीडियो में देखा ही होगा, एंड के पैरों तक उनको दिखाना है। फिर जब आप दूसरी जगह से स्टार्ट करोगे फिर आपको उनको स्टार्टिंग टू एंड तक दिखाना है किसी भी दूसरे रूम में जाने के लिए। एक लाइन में मूव करना है, छोटे छोटे स्टेप रखने हैं, बिल्कुल भी मूवमेंट एक्स्ट्रा नहीं होनी चाहिए, कैमरा को बिल्कुल स्टिल रखना है। कुछ लोग क्या पता मेरी इस वीडियो को देख के थोड़ा ऑफेंड हो जाएं कि आप अपने लड्डू को कैसे मोमेंट कराते हो, ऐसे नहीं कराना चाहिए। तो मैं आप लोगों से भी ये कहना चाहती हूँ और मैं भी इस बात का ध्यान रखती हूँ कि लड्डू को जो है बहुत प्यार से बहुत आराम से ये सारी मोमेंट करानी है, कहीं भी उनको चोट ना लग जाए, वो गिर ना जाए। जैसे कि आप छोटे बच्चों की वीडियोज़ बना के खुश होते हो, बस ऐसे ही अपने लड्डू को हंसते खेलते अपने घर में मैं देख के बहुत खुश होती हूँ एंड आई एम श्योर आप भी यही भाव रखते हो। और एंड तक आते आते आई होप कि आपके सारे डाउट्स क्लियर हो चुके होंगे। तो क्या बस आप अपने लड्डू के हंसते खेलते वीडियो बनाइए और मुझे तो टैग करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा ये वीडियो कैसे बनाई। और अगर आप लोगों को ये देखना है कि मैं इनकी वीडियोस कैसे एडिट करती हूँ तो आप लोगों को क्या करना है, आप लोगों को कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना है, तो मैं उस वीडियो पर भी बनाने की पूरी कोशिश करूँगी। तो इस वीडियो को लाइक करिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और हमारी छोटी सी फैमिली में शामिल हो जाइए। ओके, टाटा बाय।